देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। आठवीं जमात की तालिबा अख्तार माहिरा, सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मतबसले अला का है। जनाब सदर मुहतरमा और मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उनवान है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, मेरे नबी तो वो नबी है जिनके तमाम अंबिया ने होने की ख्वाहिश की थी और हम इतने खुशनसीब थे कि हमें ये शहादत भी मांगे मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में आजादी दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके खाली के दो जहां को भी नाज है। जनाब सदर, मेरे सरकार तो बादशाही में फकीरी करते थे जिसके पास न सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो टूटी चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे सरकार के निगाहों में बिजली, लबों पे तबस्सुम और चेहरे पर नूर था। मेरे सरकार तो सादे लिबास में भी दिलशाद नजर आते थे। जनाब सदर, आपकी तरबियत और शख्सियत में वफा था, खुदों का जमान था, शान पे मिजाजी का जबूर थी, बल्कि प्यार खाता के काम में फिदा होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर। जनाब सदर, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, लेकिन मेरे औसाफ का एक बात भी भूला ना हो सका। जनाब सदर, ये मौजूद अफवाजी नहीं बल्कि मेरे दिल की आवाज़ है, ये शायरी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है जो कयामत तक रहेगा। जज़ाकअल्लाह।